अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली, ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल, सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू केमिकल एक्टिविटी। हमने देखा था कि केमिकल एक्टिविटी क्या होती है इन केस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम जस्ट लाइट सा इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम पार्ट टू कवर करेंगे मेटल्स के बारे में और हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, अगर हम कल के लेक्चर्स का ओवरव्यू लें, उसको थोड़ा सा रिवाइज करें, तो हमने देखा था कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, उनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर के ऊपर। हमने देखा था कि जो भी मेटल जो होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपने लूज कर दे तो उतना ही उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम देखेंगे कि मेटल्स की किस तरह फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उनको डिस्टिंग्विश करवाती हैं किससे, नॉन मेटल्स से। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को साथ साथ पढ़ने के हम ये भी देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ये जो शो कर रहे हैं ये क्यों शो कर रहे हैं, किस बेसिस पर ये प्रॉपर्टी जो है उनकी शो कर रहे हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम ऐसे ही समझेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं सिर्फ लाइट लाइट सा लिख रही हूँ, आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर गौर करो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहले हमारे पास है वो ये है कि जो हमारे पास तमाम मेटल्स होते हैं, ख्वाह वो अल्कली हों या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों, वो तमाम क्या होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड्स, एक्सेप्ट किसके, एच जी मरकरी। मरकरी के अलावा जो होते हैं हमारे पास तमाम के तमाम मेटल्स जो होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो क्या होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड्स। अब यहाँ पर आप मुझसे पूछोगे, मैम कल तो आपने कहा था कि ब्रोमीन जो है वो हमारे पास वो भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों जो ब्रोमीन था ना हमारे पास वो एक्सेप्शन केस था और वो हमारे पास क्या था, नॉन मेटल। तो मेटल के अंदर भी हमारे पास एक आता है लिक्विड स्टेट के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा है मेटल, और नॉन मेटल के अंदर जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड स्टेट के अंदर वो हमारे पास है ब्रोमीन, और मेटल्स के केस में जो एग्जिस्ट कर रहा है एज अ लिक्विड स्टेट के अंदर मेटल जो है वो है हमारे पास मरकरी, ठीक है। इसको आपने एक पॉइंट को याद रखना है, ठीक है, इसे कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको कन्फ्यूज में डेफिनेटली पूछेंगे, आपने इसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैंने कल आपको ये जब टेबल बता रही थी आपको पीरियड टेबल का, तो वहाँ मैंने आपको शो भी करवाया था कि जो ब्लू कलर है वो हमारे पास नॉन मेटल्स को शो करा है, जबकि जो येलो कलर है वो हमारे पास शो करा है मेटल्स को, ठीक है बच्चों। सेकेंड प्रॉपर्टी शो करते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके दरमियान जो होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास वो आपस में बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। इसी जो करीब होने की वजह से क्या होता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये एग्जिस्ट भी करते हैं एज सॉलिड्स, ठीक है। अब आपको पता है सॉलिड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो मेटल्स जो है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेप्शन आती है ना वो आती है अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स के बारे में कहा जाता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता, वो रिस्पेक्टिव टू अदर मेटल्स वो कम होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, तो हमें पता है कि बच्चों जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे हमारे पास जो टेबल सॉरी जो ग्रुप वन है हमारे पास उनके मेटल्स हैं, उसके अंदर हमारे पास आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम और सीजियम, फ्रेंसियम, ये हमारे पास आते हैं सारे अल्कली मेटल्स, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास मेटल नहीं है बच्चों, ठीक है, बार बार बता रही हूँ आपको। अब क्या होता है, ये देखो ये सारे हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल्स। अब जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना इनका जो होता है मेटेलिक करेक्टर बहुत लेस होता है। अब इनकी मेटेलिक करेक्टर मीन मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो लेस किस वजह से होती है, वो लेस होती है हमारे पास इनके एटॉमिक साइज़ की वजह से, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, एटॉमिक साइज ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना वो भी ज़्यादा हो जाता है। मींस कि जो न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना होता है अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास वो कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, अपनी तरफ, जिस वजह से क्या होता है कि जो इनका मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत लेस हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लेस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आता है कि ये पोजेस करते हैं मेटेलिक लस्टर। लस्टर से बच्चे मुराद होता है शाइनी,
कोई चीज़ का चमकना, कोई चीज़ आपको स्पार्कल करे, कोई चीज़ आपको रोशन करे, उसको कहते हैं लस्ट्रस। कोई चीज़ बड़ी स्पार्किंग है, कोई शाइनिंग है, कोई शोकिंग चीज़ है, उसको हम कहते हैं लस्ट्रस। अब जो होते हैं ना मेटल्स, वो हमारे पास मेटालिक लस्टर शो करते हैं। अब मेटालिक लस्टर वो क्यों शो करते हैं, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ था जब हम बॉन्डिंग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। वहाँ पर हमने मेटालिक बॉन्डिंग के लिए चीज़ें सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई मेटल्स की, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग मेटल्स में होती है। तो हमने वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को स्टडी किया हुआ है। आपको अगर नहीं याद या मैं यहाँ पर थोड़ी सी भी कोई कमी बेशी कर रही हूँ, तो आप लोग, मैं आपसे कुछ सजेस्ट करूँगी कि आप वो जाके वीडियो लाजमन देखो, ठीक है। तो जो मेटेलिक लस्टर होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनके दरमियान क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, वो आपस में एटम की इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसकी वजह से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूल बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पूल बनाने की वजह से क्या होता है कि इनकी रिपल्जन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एटम की गिर क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हमारे पास इनके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो क्या कहते हैं, जब इनके ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है, ये लस्टरस अपीयरेंस देते हैं, मीन्स के रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं लाइट को। और जैसे ही वो लाइट हमारी आइज तक आती है, तो हमें वो चीज़ शाइनी या स्पार्कल नजर आता है। आप कोई देख लो, स्टील का स्पून देखो, आप उसको रखो अपने बल्ब के नीचे, आप किचन में काम कर रहे हो, तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा आपको शाइनी नजर आएगा, लस्टरस नजर आएगा, स्पार्कलिंग नजर आएगी। तो क्यों आएगी, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जैसे ही लाइट उनके ऊपर पड़ती है, तो उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और हमें नजर आती है चीज़, वो लस्टरस चीज़ हमें नजर आ रही होती है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 पर हमारे पास आती है प्रॉपर्टी, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। बच्चों, मैलिएबिलिटी जो होती है, हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास कोई मेटल की शीट है, आप उसके ऊपर हैमर से उसको क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो। आप हैमर से जब उसको हिट करोगे, तो क्या होगी, वो एक फ्लैटन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, किसी भी फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। और डक्टिलिटी जो होती है, बेसिकली क्या होता है, मेटल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो किस शेप के अंदर, वायर्स की शेप में, मीन्स का आप इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो होती है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जो इनको डिस्टिंग्विश करवाते हैं किससे, नॉन मेटल से, कि ये मैलेबल भी होते हैं, मीन्स कि इनको आप हैमर कर सकते हो और वो एक फ्लैटन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी भी शीट्स के अंदर उनको शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और डक्टिलिटी क्या कि आप इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और यही वायर्स होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर, कोई हीटिंग अप्लायंसेस के अंदर यूज होती हैं। नंबर 5 पे आता है हमारे पास, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें पता है कि जब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा। जैसे ही हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास, वही मेन कास्ट करते हैं किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का। अब मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जाहिर बात है वो इलेक्ट्रॉन पूल के अंदर होते हैं हमारे पास, रिपल्जन कर रहे होते हैं आपस में, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं किस चीज़ के, इलेक्ट्रिसिटी के। और हीट के किस वजह से होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। इस क्लोजली स्पेस्ड होने की वजह से क्या होते हैं, इनकी आपस में क्या होती है, इंट्रैक्शन होती है, रिपल्जन होती है इनके दरमियान, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन के अंदर भी होते हैं और रिपल्जन भी होती है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को हीट मिलती है, तो क्या कहते हैं, वो फटाफट क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हीट देता है, दूसरे से तीसरे। तो इस वजह से जो फ्लो ऑफ हीट है, वो इसके दरमियान बहुत तेज़ी से चलती है। 6 प्रॉपर्टी पे आता है कि इनकी डेंसिटीज जो होती हैं हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। अब बच्चों, हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनके दरमियान क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। इस क्लोजली स्पेस्ड होने की वजह से क्या होता है कि इनका जो मास होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इनका मास भी ज़्यादा होता है, एटॉमिक अरेंजमेंट्स इस तरह की होती है, कवर कर रहते हैं ज़्यादा सारी स्पेस। ज़्यादा स्पेस करने की वजह से क्या होता है कि इनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है, मीन्स की जिस चीज़ें ज़्यादा स्पेस कवर की जा रही पाता है, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ किया। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो डेंसिटीज़ होती है ना हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इनकी एटॉमिक अरेंजमेंट्स की वजह से। और जो लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ पर आता है, पोटेशियम के केस में और सोडियम के केस में। अब बच्चों, यहाँ पर देखो, सोडियम और पोटेशियम, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास, नो डाउट प्रेजेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं हमारे पास मेटल्स के अंदर, लेकिन इनके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं पहली बात तो ये। और जो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, वो क्या करता है, वो बहुत आसानी से निकल जाता है बाहर। अब निकलने की वजह से क्या होता है कि इनके दरमियान जो होती है मेटेलिक बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रही होती। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होगी, इनके दरमियान तो इलेक्ट्रॉन्स ही बहुत कम है। तो इस वजह से ये जो होते हैं हमारे पास, ये सॉफ्ट होते हैं। सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल्स भी आपको आ जाएँ तो आपने सोडियम और पोटेशियम को विदाउट एनी डाउट आपने इनको टिक कर देना है, ठीक है। या दोनों एक साथ नहीं आएंगे हमारे पास, दोनों अलग अलग नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं ये दैट यू कैन इवन कट देम विद नाइफ, आप इनको छुरी से भी कट कर सकते हो, कि इतने ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो सोडियम होता है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, ये वाटर के साथ इतना विग्रस रिएक्शन करता है कि
फ़ौरन से आप समझ लें कि ऐसे धमाका सा होता है, ठीक है। आपने अक्सर वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब पर, देखा करो बच्चों, ताकि आपको थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करे, आप देखो प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करो। और बच्चों अगर हम देखें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमारे पास ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत आसानी से लूज़ कर देते हैं। ये इनकी सबसे अच्छी और केमिकल प्रॉपर्टी यही है, सबसे प्रोमिनेंट केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, कैटाइन्स के अंदर। दूसरी बात ये आती है कि ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं लिथियम जो होता है हमारे पास, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है लिथियम ऑक्साइड Li2O, ठीक है। उसके अलावा सोडियम जो होता है हमारे पास रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है सोडियम ऑक्साइड Na2O। सेम इसी तरह जो सारे हमारे पास अपकमिंग अल्कली मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। पर जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे वहाँ पर हमने पढ़ी थी आयोनिक बॉन्डिंग। हमने देखा था जो आयोनिक बॉन्डिंग होती है वो एग्जिस्ट करती है किसके दरमियान, मेटल्स के दरमियान और नॉन मेटल्स के दरमियान। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि जो मेटल्स होते हैं हमारे पास वो अपना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत आसानी से लूज़ कर देते हैं। अब ये जब आसानी से लूज़ कर देंगे, जारी बात है इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन किसको देना तो है, और नॉन मेटल्स होते हैं वो तो पहले इसी तलाश में होते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये इनकी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या करते हैं, ये आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ। अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास नॉन मेटल्स को डोनेट कर देते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि इनकी मेटैलिक बॉन्डिंग भी होती है, कि ये अपने अंदर भी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इनकी, कि मीन्स एक एटम के अंदर सपोज हमारे पास आता है सोडियम। अब सोडियम जो होता है हमारे पास अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और पीछे हमारे पास 10 इसके इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। जब इसके 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं तो इन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान आपस में भी इनकी इंट्रैक्शन है, इसी इंट्रैक्शन की वजह से इनको मेटैलिक बॉन्डिंग या मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि ये आपस में भी इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स आर लिस्टेड बिलो। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। मैंने आपको सब की रीजन बताई है बच्चों कि ऐसा क्यों होता है, आप इसको रट्टा मत लगाओ, आप चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो इस चीज़ का कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। दे पोजेस मेटेलिक क्लस्टर एंड कैन बी पॉलिश, दे आर मेलिएबल, कैन बी हैमर्ड इन टू शीट्स, डक्टाइल, कैन बी ट्रायन इन टू वायर एंड गिव ऑफ अ टोन वेन हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव हाई डेंसिटीज। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दे इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आइंस, दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी बताई है, आप इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हो। दे यूजली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स, मैंने आपको बता दिया, दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इनके पास जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है तो क्यों होती है। बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज़ की, मेटल्स की। हमने देखे किस तरह हमारे पास मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है, कैसे वो हमारे पास मेटल्स क्यों शो कर रहे हैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज, क्या उनकी रीजनिंग है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आई होप सो कि आपको ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होंगी। बेसिकली आप यही समझ लो कि हमने अपनी प्रॉपर्टीज रिवाइज ही की हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी सी सारी बात है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको लेक्चर्स जो होंगे हमारे पास वो सारी बात है एडवांस होते जाएंगे, एक्सटेंसिव होते जाएंगे, न्यू चीज़ों की एडिशन होती जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो आप पिछला पढ़ के आए हो उसको भी साथ साथ याद रखो, उसको भूलो मत। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी मान।